बैक टू द चैनल। नई ट्रिप पे जा रहे हैं, इस बार जा रहे हैं गिर, यानी कि कवर करने जा रहे हैं एशियाटिक लायंस को। बहुत मजा आने वाला है, शानदार ट्रिप होने वाली है। सबसे पहले अभी एयरपोर्ट के लिए भाग रहे हैं, सब बताऊंगा कैसे आप पहुंच सकते हो, कैसे सफारी कर सकते हो और क्या क्या वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आज की सफारी में हम भी कुछ नया ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए फटाफट पहले द्वारका एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं, वो भी नया खुला है, उसको भी एक्सप्लोर करते हुए सीधे एयरपोर्ट जाते हैं और एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट पकड़ के सीधे आगे निकलेंगे। गाइस ये है टर्मिनल 2 का डिपार्चर एरिया, जहाँ पे आप जो है आते हैं और फ्लाइट पकड़ने के लिए यहाँ से जाते हैं। अंदर गेट में अंदर आ गया हूँ एयरपोर्ट के, तो दिस इज़ टर्मिनल 2 ऑफ दिल्ली एयरपोर्ट। छोटा एयरपोर्ट है टर्मिनल 3 के कंपैरिजन में, लेकिन अगर आप जैसे कहीं डोमेस्टिक फ्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो फ्लाइट्स हैं टर्मिनल 2 से जाती हैं और आप जा सकते हैं यहाँ से। भाई एयरपोर्ट पे ना बस स्टैंड की याद आ रही है, ये ड्रिंकिंग वाटर एक तो सबसे कोने में जाके बनाया हुआ है और ऊपर से ना एक ग्लास तक नहीं है भाई पानी पीने के लिए। यहाँ पे आसपास आप देखो कुछ भी नहीं, हाथ से आओ पानी पियो और हाथ से निकल जाओ, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन की तरह। तो ये तो हालत है हमारे देश के एयरपोर्ट्स की। गिर जाने का सबसे तेज तरीका फ्लाइट लेना है, क्योंकि रेल रूट पे इंडियन रेलवे की बहुत ही लिमिटेड कनेक्टिविटी है। मुश्किल से एक या दो ट्रेन से डेली राजकोट के लिए जाती है। हम राजकोट पहुंच गए हैं, कन्वेयर बेल्ट पे सामान जो चोरी करना था कर लिया है, अपना भी ले लिया, किसी और का भी उठा लिया। चलो आओ आगे चलते हैं, कैब पकड़ते हैं और आगे निकलेंगे। हम यहाँ पे अभी बीच में रुके हैं भाई, राजकोट के बाहर एक जगह पे कैसे एक होटल है चाय वाय पीने के लिए, समोसे वमोसे के लिए। ये खड़ी अपनी कैब, ये भैया यहाँ पे गाड़ी की सफाई करते हुए। भैया हाय बोल दो कैमरा में सबको, हाय हाय बोल रहे भैया। भाई अपनी गाड़ी एकदम चमक के चलने वाली, कितनी देर में पहुंचेंगे भैया? हैं कितनी? 4 घंटे। 4 घंटे भैया ने बता दिया, 4 घंटे लगेंगे यहाँ से। मज़ा आने वाला है भाई, सफ़र जानदार होने वाला है, शानदार होने वाला है। चलो आओ जब तक अभी देख दो, चाय की चुस्की लगाते हैं और कुशल भाई से भी मिलते हैं। वेलकम ऑन द कैमरा, थैंक यू सो मच अमन, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चाय पीने आ गए, चाय चल रही है यहाँ पे बढ़िया वाली भाई। ये हमारे साथ आज बैठे हैं मिहिर भैया, जो कि गाड़ी चला रहे हैं। मिहिर भैया क्या हाल चाल है? बस बढ़िया बढ़िया। जो हमारे को वीडियोस देखने को मिलते हैं दिन में गांव के पास आ जाते हैं, रात में ऐसे घूमते रहते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है? हाँ दिक्कत है आपका, मैंने खुद देखा, मैं अपनी गाड़ी में बैठा था रात को और अचानक ही लाइन हमारे गाड़ी के सामने आकर बैठ गया था। अच्छा, लेकिन और सुनसान जगह है और कहीं पर भी आ सकते हैं और आपकी गाड़ी के आगे ये भी आ सकते हैं, आपको गाड़ी रोकनी पड़ती है। हाँ भाई बना दो, आज वो बढ़िया शूट करते हुए जाएंगे, एकदम लायन लायन कर देंगे आज पूरे गिर के अपने ब्लॉग में। भाई एक बार फिर से हाईवे पे खड़ा हूँ, एक जगह जा रहे हैं 100 साल पुरानी शॉप पे भजिया खाने। ये शानदार भजिए खाने के बाद इसे डाइजेस्ट करने के लिए हम एक स्पेशल पीनट सोडा पीने के लिए पहुंच जाते हैं। मेरे पीछे जो है भाई लाओ, और ये यहाँ पे इतना बेहतरीन सोडा मिल रहा है, जूनागढ़ बॉम्बे से खास सोडा पीने के लिए यहाँ पे आए हैं, और जैसे हम टेस्ट करेंगे तो हमारा मुंह साफ, पेट साफ, दिमाग भी साफ, सब कुछ साफ हो जाएगा। पहली चीज मेरा आपके सामने भाई, चीयर्स आपको भाई का, भाई खड़े खड़े ब्लॉगिंग करते हैं। काला खट्टा हाँ कुछ भी पी लूंगा भाई मैं, काला पीला नीला खट्टा जो मुझे, काला खट्टा मन बना है, सिंह डाली हुई है, काला खट्टा मसाला है, तो भाई भाई पीनट्स सिंह सिंह बोल, तो पीनट का टॉपिंग है, मसाला है स्पेशल जूनागढ़ का, और इसको मैं अपने होटल से सुना रहा हूँ। ऐसे ही खाते पीते आखिरकार हम गिर पहुंच ही जाते हैं। तो हम पहुंच गए हैं गिर लायन पगमार्क रिजॉर्ट, तो शानदार प्रॉपर्टी है भाई, हर तरफ से लाइट से जगमगा रही है। ये है अपना रूम,
रूम नंबर 109। तो ये हम अंदर चलते हैं और आप देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पे रूम है, बढ़िया सा एक बेड लगा हुआ है, देन वी हैव अ फैन हियर, एसी है, विंडो है, इस तरीके की एंट्रेंस, पानी पीने के लिए जग है, अलमीरा, देन यहाँ पे वॉशरूम। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बिल्कुल बढ़िया से आइए, स्टे करिए, अपना प्रॉपर्टी को एंजॉय करिए, साथ में अपना लायन और लेपर्ड और जो देखना भाई अंदर जाके सब देख के आइए। गिर के जंगल में टाइगर मत मांगना भाई, यहाँ टाइगर नहीं मिलता। ये मैं खड़ा हूँ सिंह सदन, यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो ये पूरा इनका जो है एक पूरा कैंपस बना हुआ है, जहाँ पे सारा जो परमिट वगैरह चेक होता है वो आपको यहाँ पे आके करवाना पड़ेगा। एंड देन इसके बाद ये यहाँ पे आपका जिप्सी नंबर और रूट अलॉट करके आपको परमिट देंगे, एंड देन आप अपनी सफारी पे जाओ। गिर की हमारी पहली सफारी हो रही है शुरू। ये हम निकल चुके हैं सिंह सदन से, ये हमारे पीछे सिंह सदन का गेट, और मेरे साथ हर्षिल भाई और नील भाई दोनों आ चुके हैं, मजा आने वाला है आज। इसी जगह से अब हमारी सफारी में सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। परमिट में आईडी एंड नेम मिसमैच होने की वजह से यहाँ वही कहावत वाली हालत हो जाती है, हाथ को आया और मुंह ना लगा। एक्साइटमेंट से हम निकले थे, उतनी ही एक्साइटमेंट से हमारा कट गया, क्योंकि हम निकले तो रात में थे और हम खूब धूप में चल रहे हैं और अब हम गाड़ी में चल रहे हैं तो, और दिन का टाइम अच्छा लग रहा है ना, है ना। हाँ, तो टाइम भी 8 बज गया है और हम सफारी पे नहीं है। हालांकि मैंने आपको काउंटर भी दिखाया, सब दिखाया, लेकिन कुछ दोनों भाई मेरे साथ में इनका आईडी का कुछ प्रॉब्लम रहा, तो जिसकी वजह से हम लोग जो है वो वाली ट्रिप नहीं कर पाए, तो हमने वो ट्रिप करी कैंसिल। अब थोड़ा सा प्लान में चेंज किया, ट्वीक किया, क्योंकि आप लोगों के लिए कंटेंट तो लाना है और आप लोगों को खाली नहीं छोड़ना है, तो इसीलिए भाई अब यहाँ पास में हमें पता चला देवलिया करके एक इनने एक सेंटर बनाया हुआ है जहाँ पे एनिमल्स हैं, वो नेचुरल को 16 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को उनने वॉल से जो है कवर किया और वहाँ पे लेपर्ड और लायन वगैरह छोड़े हुए, तो बस अब उसको शूट करने जा रहे हैं और उम्मीद ये है कि वहाँ पे साइटिंग हो जाएगी। इसकी काफ़ी कम टाइम की सफारी होती है, अभी मैं बताऊंगा आपको अंदर जैसे जैसे हम आगे चलेंगे क्यों है, क्या है और क्यों इस तरीके से यहाँ पे स्पेसिफिकली ये जाली वाली जिप्सी बनाई हुई है। आप देखो ये जो जिप्सी आ रही है इसका, आप देखो ये जाली बना हुआ है ऊपर, है ना, तो इसका रीज़न है मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये देवलिया का जो है इंटरप्रिटेशन सेंटर का मेन गेट है, आप इधर रोड से आएंगे, ये जो अपन मैं आपको रोड दिखा रहा था, आप इधर रोड से आएंगे, यहाँ इंटरप्रिटेशन सेंटर में आप एंटर करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, अगर आप जिप्सी लेके जाना चाहते हैं तो वो केज वाली जिप्सी मिलेगी आपको, और अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो 150 का आपको यहाँ पर टिकट कटता है वो मिलेगा, और यहाँ आगे जो है बस स्टैंड बना हुआ है जहाँ पर बसेस मिलती हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। बुकिंग ऑफिस, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ ये पीछे ये बुकिंग ऑफिस है, यहाँ पे बुकिंग करेंगे एंड देन उसके बाद जो है हम लोग यहाँ, ये जो पीछे बस खड़ी है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बसेस खड़ी हैं ये बस का यहाँ पे पार्किंग है, हर आधे घंटे में यहाँ से बस निकलती है, आप बस में बैठ के अपना सफारी पे जा सकते हैं। ये रही हमारी बस जो कि हमें इशू हुई है, और इसमें एक चीज़ अच्छी है कि विंडोज जो है देखो आप कांच की है और काफ़ी बड़ी बड़ी है, तो यहाँ पे साइटिंग के जो चांसेस हैं वो अच्छे खासे हैं, और हमारी बस चल चुकी है भाई। देवलिया में आपका स्वागत है, वेलकम टू देवलिया। गाइस हम निकल चुके हैं बस में, आप देख सकते हो बस में, और कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ढूंढने की, हालांकि ये भी जो एरिया है ये नेचुरल है, जिसकी बाउंड्री वॉल 16 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को बाउंड्री वॉल से कवर कर दिया गया, तो यहाँ पे उन एनिमल्स को रखा गया है जो मैन किलिंग या मैन ईटर्स का जिनके ऊपर टैग लगा हुआ है, तो इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जिप्सी वगैरह जो जा रही हैं अंदर वो कवर्ड होती हैं यहाँ पे, वो ओपन जिप्सी नहीं है,
बस में आप ऐसे जा सकते हो ओपन जैसे मैं जा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पे बाउंड्री वॉल भी दिख रही है मेरे को, जो रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया उसकी। हेलो डियर, यह है इंडियन वल्चर जिसकी पेल कलर की चोच होती है एंड इनकी नेक पे अलग से एक वाइट कॉलर देखने को मिलता है। ये वल्चर्स कॉलोनीज में रहते हैं एंड यूजुअली क्लिफ्स और चट्टानों में अपना नेस्ट बनाते हैं, बट कभी कभी इन्हें ट्रीज पे भी अपना नेस्ट बनाते हुए देखा गया है। जब मैं इस वल्चर को शूट कर ही रहा था, पास में ही कहीं से क्रोस का काफी शोर आ रहा था। ध्यान से देखा तो दूसरे पेड़ पे एक क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल बैठा हुआ था जिसके पीछे क्रोस पड़े हुए थे। मुझे लगता है यहीं आसपास में क्रोस का नेस्ट रहा होगा, और क्योंकि ईगल एक प्रेडेटर बर्ड है तो ये उसी को लेकर परेशान हो रहे होंगे। क्रोस सबसे इंटेलिजेंट और सोशल बर्ड्स होते हैं एंड किसी एक को प्रॉब्लम में देख के ये सब एक साथ सपोर्ट में आ जाते हैं। इनको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये भारत की शान एशियाटिक लायंस मिल जाते हैं। लायन छोड़ रखे हैं, क्या है? अरे लायन बैठा है। अरे गाइस लायन बैठा, लायन आगे से ये रेंज रोक ना, हम बैठे हैं छांव में हैं। बस 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 गाइस, मेरे पीछे यहाँ पे पैंथरा लियो लियो यानी कि हमारा एशियाटिक लायन, ये यहाँ पे एक लायन बैठा है अंदर, और झाड़ियों में एक मेल और एक फीमेल बैठी है, उसके पीछे शायद एक फीमेल और है। तो ये सब पेड़ के नीचे यहाँ पे अभी गर्मी में आराम कर रहे हैं। लायन यूजुअली धूप के टाइम पे आराम ही करता है, दिन में 24 घंटे में से 16 घंटे 17 घंटे तो ये ऐसे ही बिल्कुल लेटा पड़ा रहता है। अभी बस इसका यही आराम वाला मोमेंट कैप्चर कर रहे हैं, अगर चलता हुआ मिल जाएगा तो एक थोड़ा सा अच्छा शॉट भी मिलेगा। कोशिश लायंस प्राइड यानी कि ग्रुप में रहते हैं जिसमें ग्रुप का लीडर एक अल्फा मेल लायन होता है। इनकी एक प्राइड में कई सारी फीमेल्स हो सकती हैं एंड यही फीमेल्स प्लानिंग से मिलकर शिकार करने और पूरे प्राइड का पेट भरने के लिए जिम्मेदार होती हैं। और वहीं दूसरी ओर मेल लायन बहुत ही कम शिकार करते हैं और ज्यादातर ये अपनी प्राइड को दूसरे मेल लायन से बचाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एशियाटिक लायंस अब वाइल्ड में सिर्फ गिर में ही बचे हैं एंड ये अफ्रीकन लायन से अलग होते हैं। एक तो इनका साइज अपने अफ्रीकन काउंटरपार्ट यानी कि अफ्रीकन लायन से छोटा होता है, और दूसरा आप इन लायंस के बेली पे एक अलग से लटकती हुई स्किन यानी कि फोल्ड को देख सकते हैं जो कि अफ्रीकन लायंस में नहीं मिलता। अब ये देवलिया का जो जंगल है बहुत सुंदर है यार, जो यहाँ पे इनने बना रखा है। और बाकी अपन और देखते हैं, अब जरा लेपर्ड एपर्ड को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेपर्ड भी देखते हैं अगर मिलता है तो। देवलिया में रखे हुए ये सारे लेपर्ड्स भी मैन ईटर या मैन किलिंग एनिमल्स ही हैं, और इसी के चलते इनके लिए ये स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है, और आप इनको यहाँ आसानी से बैठा हुआ और घूमता हुआ देख सकते हैं। इस ब्लू मॉथ में आपको सारी फीमेल लेपर्ड देखने को मिलेंगी, और ऐसा ही एक ग्रीन मॉथ आगे है
जिसमें सारे मेल्स को रखा हुआ है। मुझे लगता है अब आप समझ ही गए होंगे कि इनको अलग अलग क्यों रखा गया है। सो गाइस, यहाँ पे जो आप ये सारा लेपर्ड का जो पूरा गेम देख रहे हैं, वो इन सबको इस गड्ढा बना के इस यहाँ पे, उसका रीज़न यही है कि ये सारे मैन किलिंग या मैन ईटर लेपर्ड्स हैं, इनको खुले में नहीं छोड़ सकते, इसीलिए इनको इस तरीके की ये जो मौत बोलते हैं, जो मौत बनाई हुई है, इसीलिए बनाई है कि कूद के बाहर ना आ सकें और ये इसी के अंदर ही रहें और यहीं पर रहें। 10-10 लेपर्ड एक साथ, 8-8 लेपर्ड एक साथ मैंने जीवन में नहीं देखे। लेपर्ड टेरिटोरियल एनिमल होता है, ये आपस में भी यहाँ कैसे बैठे हैं मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। आपस में फ़ाइट करनी चाहिए इनको, बट स्टिल जो इनका जो नेचुरल बिहेवियर है उसके अगेंस्ट में जाके ये अपना बिहेवियर यहाँ पर शो कर रहे हैं। इतने छोटे से कन्फाइंड एरिया में इतने सारे लेपर्ड्स को एक साथ रख देना, भाई दिस इज नॉट एन ईजी टास्क। हेड्स ऑफ टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये चीज़ कर कैसे दी, और हेड्स ऑफ टू दिस लेपर्ड की ये सस्टेन कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ओपन में अगर छोड़ देंगे तो ये भाग जाएंगे इधर उधर। लेपर्ड आर्बोरियल एनिमल होता है, पेड़ों पर भी चढ़ जाता है, जमीन पर भी रह लेता है, तो ये कहीं पर भी कूद के, कोई भी बाड़ा जो भी ये बहाने इनने फेंसिंग बनाई, सब कूद काद के भाग जाएगा, इसीलिए इनको इस तरीके के एरिया में बचा के रखा हुआ है। इस तरीके से ओपन में लेपर्ड्स को देखना अपने आप में ही एक शानदार एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये एनिमल जंगल का घोष कहलाता है और आप वाइल्ड में इसे इतनी आसानी और खूबसूरती से शायद ही देख पाएंगे। इंडियन लेपर्ड भारत के पड़ोस में मिलने वाले श्रीलंकन लेपर्ड से थोड़ा छोटा होता है, और आज वाइल्ड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एफर्ट्स के चलते इनकी पॉपुलेशन काफ़ी अच्छी फ्लरिश हो गई है, जो कि 2022 सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से 13,874 है। तो आज 2024 में हम आसानी से कह सकते हैं कि इंडिया के जंगलों में करीब करीब 14,000 लेपर्ड्स घूम रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सोच के बनाया है तो अच्छा लगा, ठीक है, आप यहाँ पे आ सकते हो, तो वाइल्ड में नहीं बट सेमी वाइल्ड में तो एटलीस्ट इनको इस तरीके से देख ही सकते हो, क्योंकि आपको इतनी आसानी से लेपर्ड तो आपको नहीं देखने को मिलेगा यार कहीं जंगलों में जिस तरीके से था, तो बहुत अच्छा लगा देख के। सो आई थिंक आज के ब्लॉग को मैं इसी बात पर यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अपने हर वीडियो में कहता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।